गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आर टूडे चैप्टर इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके, एज आई टोल्ड यू इन आर लास्ट वीडियो अबाउट एसिड्स. ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एसिड्स के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आपको दी थी. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू दैट दीज आर एसिडिक नेचर. ठीक है, इन एसिड्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिस. ओके, टूडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिस. आज अपन बेसिस के बारे में बात करेंगे कि जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ कभी आपने जो शॉप होती है, ठीक है, जो शॉप है और उसको कभी आपने टेस्ट करके देखा है? ओके, क्या कभी आपने उसको मतलब, या फिर सोप का सॉल्यूशन आप बोल सकते हो, सोप जो आपको बाथिंग में यूज ली जाती है, ठीक है, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हो, तो कभी क्या आपने इसको टेस्ट किया है? या फिर जो बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है, क्या कभी इनको आपने टेस्ट किया है? ठीक है, तो इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बीटर. दे बोथ हैव बीटर टेस्ट. इन दोनों का ही जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बीटर टेस्ट होता है. तो अगर अपन इनकी अगर नेचर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? बीटर इनका नेचर हो गया. ठीक है, तो अगर आप जब इनको टेस्ट करते हो, ठीक है, तो ये आपको श्योर फील नहीं होता. ठीक है, इनका टेस्ट आपको श्योर नहीं लगता है. इट मीन्स ये सब्सटेंसेस क्या है? एसिडिक नहीं है. ठीक है, अगर आपको श्योर नहीं लग रहा है तो ये क्या है? एसिडिक नेचर इनका नहीं है. एसिडिक नेचर नहीं है तो ये एसिड्स नहीं है. इट मीन्स इनका जो टेस्ट है वो कैसा हो गया? बीटर टेस्ट हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गए? बीटर इनका टेस्ट हो गया. इट मीन्स ये क्या हो गए? बेसिस. इनका ये जो टेस्ट का जो नेचर है उसको अपन क्या कहेंगे? बीटर. अंडरस्टैंड? नाउ फिर अगर आप इनको फील करोगे, अगर आप अपनी फिंगर पे लेके उसको फील करके देखोगे, ठीक है, तो आपको कैसा फील होगा? स्लीपरी. ठीक है, ये आपको स्लीपरी फील करवाएगा. डबल पी ई आर वाई, स्लीपरी आपको फील होगा. ठीक है, इट मीन्स बेसिस का जो टेस्ट होता है वो तो कैसा होता है? बिटर. और इनको जब आप टच करोगे तो स्लीपरी टच इनका होता है. ठीक है, जब आप टच करोगे तो आपकी स्किन को स्लीपरी फील होगा. अंडरस्टैंड? नाउ इनका ये जो नेचर होता है, इट मीन्स ये स्लीपरी टच इनका होता है एंड टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है. तो इनको अपन क्या कहेंगे? बेसिक नेचर. इट मीन्स इनका जो नेचर है वो कैसा नेचर हो गया? बेसिक नेचर. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम टाइप ऑफ बेसिस. कुछ बेसिस के बारे में अपन बात करेंगे. देन सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, आई थिंक नोट नीड टू राइट नेम ऑफ दिस. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया. ठीक है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड वो किस में होता है? सोप में होता है. अंडरस्टैंड? एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में हो गया? सॉप सॉल्यूशन. सॉप सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या हो गया? सॉप सॉल्यूशन हो गया. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या हो गया? लाइम वाटर. ओके, ये क्या हो गया? लाइम वाटर. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये अपने को कहाँ पे मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में. अंडरस्टैंड? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपको ये मिलता है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये क्या हो गया? अमोनियम. और ये आप देख रहे हो ये क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड. तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये किस में आपको मिलता है? जो भी आप जिनसे विंडो वगैरह क्लीन करते हो, ठीक है, तो ये आपको किस में मिलता है? विंडो क्लीनर सॉल्यूशन जो होता है, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन में आपको ये मिलता है. क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. देखो ये क्या, इनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप, इनमें ये सब में हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़ रहा है. इट मीन्स ये क्या है? बेस है. ठीक है, ये सारे क्या हो गए? बेसिस. बेसिस, दीज ऑल आर बेसिस. ओके, अभी अपन ने देखा जब आप इनको टेस्ट करते हो तो आपको कैसा फील होता है? मतलब बीटर फील होता है. ठीक है, और आप इनको टच करते हो तो आपको
कैसा फील होता है, ये स्लीपरी टच इनका होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो किसकी हो गई, इनका ये जो नेचर है उनको क्या हो गया, बेसिक नेचर हो गया। तो इस टाइप के सबस्टेंसेज जिनका नेचर बेसिक होता है उन सबस्टेंसेज को अपन क्या कहेंगे, बेसिस। अंडरस्टैंड? नाउ हेयर यू कैन सी हियर सम टाइप ऑफ बेसिस, डन, ओके। अभी अपन ने देखा कि अपन ने टेस्ट किया, ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ, बिटर फील हुआ, बट एवरी थिंग्स यू कांट टेस्ट, ठीक है। मतलब जितने भी सबस्टेंसेज आपके आसपास हैं उनको आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है, कोरोजिव हो सकते हैं जो भी सबस्टेंसेज हैं, ठीक है। आप उनको सिर्फ टेस्ट करके हमेशा ये नहीं बता सकते, वो कोरोजिव हो सकते हैं। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपके सामने रखा हुआ है तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको टेस्ट करोगे दैट इट कैन बी बर्न योर स्किन, ठीक है, ये आपकी स्किन को जला सकता है, ओके। तो ये क्या होते हैं, कोरोजिव होते हैं, कुछ सबस्टेंसेज कोरोजिव हो सकते हैं, तो उनको अपन टेस्ट नहीं कर सकते। एंड वी कांट टच ऑल्सो, जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उनको भी आप हमेशा टच करके आप नहीं बता सकते, अंडरस्टैंड, ओके नाउ। और ये पॉइजनस भी हो सकते हैं अगर आपने इनको टेस्ट किया। कुछ सबस्टेंसेज कैसे हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, ओके। तो ये जो पॉइजनस सबस्टेंसेज हैं, ये कोरोजिव भी हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, देन यू कांट टच, एंड यू कांट टच ऑल्सो, यू कांट टेस्ट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपने टेस्ट किया, अगर वो उसमें पॉइजन निकला तो आप तो डाई हो जाओगे, ओके। तो अपन को इसके अलावा, मतलब अपन ने टच किया, टेस्ट किया, इनके अलावा फिर आप ऐसा कौन सा मेथड है जिनसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो सबस्टेंसेज आपके पास हैं ये कौन सा एसिड है या बेस है, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई तो इनको करना ही होगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी देते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, मतलब अपने पास क्या टर्मरिक है, टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक तो सब जानते होंगे, जो आपके किचन में बेसिकली सबसे ज़्यादा स्पाइसेज में यूज की जाती है, ओके। मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा टर्मरिक तो सबके होती है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी के लिए टर्मरिक लेना, आपको वाइट आपका जो क्लोथ्स है उस पर डालना है, ठीक है। वाइट क्लोथ्स पे आप डालोगे, फिर क्या करोगे, आप उसको वॉश करोगे। जब आप उसको वॉश करोगे तो आप क्या करोगे, सोप, सोप से उसको रब करोगे, ठीक है। और सोप क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको ये क्या मिलती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये सोप से आपने क्या किया, उसको रब किया अच्छे से, फिर आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन रेड, ब्राउनी रेड कलर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। फिर आप क्या करोगे, जो फ्रेशी लेमन लेके आओगे, फ्रेश लेमन है, उसको आपने क्या किया, बीच में सेंटर में से उसको कट किया, कट करके आप क्या करोगे, उस ये जो रेड, जो ब्राउन रेड कलर का हो गया है उसको फिर से रब करोगे, जिसमें क्या है, ठीक है, लेमन में फिर क्या हो गया, एसिड, लेमन क्या है, एसिड। इसमें कौन सा एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, इसमें कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड। और ये जो सिट्रिक एसिड है ये आपको क्या करेगा, सिट्रिक एसिड है वो किससे रिएक्ट करेगा, NaOH, इट मीन्स ये क्या हो गया, इसको इसने न्यूट्रल बना दिया, न्यूट्रल बनाएगा। तो ये जो ब्राउन रेड कलर का आपका ये इसका कलर चेंज हुआ था, फिर ये वापस से क्या हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्ट इन येल्लो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येल्लो कलर में, ओके, अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि अपने को ये जो अपना अपन ने डिस्कस किया अबाउट टर्मरी, टर्मरी के बारे में अपन ने जो भी डिस्कस किया, इट मीन्स अपन शॉप से रब करते हैं तो उसका रेड ब्राउन ही कलर हो जाता है, जब अपन उस पर लेमन, अगर अपन उसे लेमन से रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसको वापस येल्लो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन अपन इनको क्या बोल सकते हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ कलर्स को इंडिकेट करते हैं, व्हाट वी कैन से दैट We can call them indicators. तो इस टाइप के जो सबस्टेंसेज होते हैं लाइक टर्मरी, टर्मरिक, ठीक है, तो इनको अपन क्या कहेंगे, इंडिकेटर्स, अंडरस्टैंड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।